बहुत जोर शोर से एक आ गया। अभी हमारे माननीय विधायक जी भी ये कह रहे थे कि हमारे समाज में जो है सबको समानता दी, समदर्शी विकास और समानता की बात करिए, लेकिन सच्चाई ये है अध्यक्ष जी, जो गैप है पॉवर्टी और अमीरी में, ये इतना बढ़ गया है कि इतनी इनइक्वालिटी हो गई है। ऑक्सफॉर्म रिपोर्ट जो है इनइक्वालिटी में, वो हमें बताती है कि कोविड महामारी के दौरान 4.6 करोड़ लोग गरीबी रोखे रहे। कैसे अध्यक्ष जी, मैं तो बात कर रही हूँ अभी, आपके मेंबर्स फिर एतराज करते हैं सारे के सारे। आप नहीं, आपको 18 मिनट हो गए, 18 मिनट आपके हो गया जी। मैं उसने ही स्पोक मोर देन दिस, या तो फिर आप कह दो कि और मेंबर नहीं बोलेंगे, आप बोल लो, बोलने दीजिए। आप ऐसे नहीं होता अध्यक्ष जी, ये सारा का सारा जो है गरीबी रेखा जो है, जो इनइक्वालिटी इतनी जबरदस्त हो गई, कोई भी मेंबर ये नहीं बोला, अभी और बोल देते आप। नहीं नहीं, आप बोलने नहीं, धन्यवाद। और बाकी मेंबर्स का मैं आपको, मैं सारा समय नहीं दे सकता आपको, बाकी मेंबर्स का धन्यवाद। बाइंड अप कर दो नेता प्रतिपक्ष का, वो आपके कोई भी मेंबर तो नहीं कह रहे, मैं क्या करूं, टाइम कहां से दूं मैं। स्पीक ऑन एग्रीकल्चर एंड ऑल दीस थिंग्स, तो वो ये इस तरह से नहीं अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, तो मैं बैठ जाती हूँ जी। धन्यवाद जी, श्री रणधीर गोलन जी। आदरणीय, आपका इंक्लूड कर सकते हैं, बाकी एक मिनट का टाइम मैं दे सकता हूँ। नहीं, बाकी मेंबर्स नहीं दे रहे, मैं क्या करूँ, आपके मेंबर नहीं दे पा रहे, आपकी पार्टी के आप, मैं नहीं दे पाऊंगा। आदरणीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे इस बजट के, आप एक मिनट बाइंड अप कर दे, आप बाइंड अप कर दे, मैं आपके आपके पार्टी के मेंबर देंगे। मतलब नहीं, मैं क्या करूंगा, ये क्या मतलब है अध्यक्ष, हम कहां से टाइम देंगे आपके पार्टी, नहीं दे पाते आपको टाइम। खाली बजट के ऊपर बात कर रहे हैं, आप अपने बात नहीं करने दे रहे हैं। यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है आप, हाँ है प्रॉब्लम, नहीं है, सारे मेंबर कहते हैं कि हमें टाइम चाहिए, प्रॉब्लम नहीं है, मैं बोल रहा हूं, हम तो टाइम बांट कर दे सकते हैं। आप दे रहे हैं उसको, आपने जब इतना दे दिया तो मेरे को टाइम क्यों नहीं दे सकते आप कंक्लूड कर दे प्लीज। हाँ, ये गलत बात नहीं है, गलत बात है। और आप उससे भी ज्यादा बोल रहे हैं, वैसे भी वो 15 मिनट बोले थे। अनेक जगह सेशन बहुत दिन चलता है, इनको बोलने दो, जितना समय और दो चार दिन का बढ़ा देना, ठीक है बैठो। नहीं तो आप इनको बोलो ना, वो कह रहे हैं कि आपकी तरफ वो कर रहे हैं। हाँ, ये बोल मेरे को बोलने दो, कोई बात हुई, ऐसे नहीं होता, काम की बात कर रहे हैं हम अध्यक्ष जी। इरिगेशन और एलाइड सेक्टर जो है, इसके ऊपर बहुत जबरदस्त जो है इन्होंने कहा कि भाई हमने बहुत ज्यादा बढ़ोतरी कर दी है, 10.58% से ले जो 330 था वो 10.58 580 कर दिया, 6% जो है उसका इन्फ्लेशन जो है उसको देखते हुए आज जो है एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए ये काफी नहीं है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज जो है फ्रूट ग्रेन्स हैं, चाहे फर्टिलाइजर्स हैं, या ये डीएपी है, या मनरेगा है, इसका जो है सब्सिडी सारी की सारी खत्म हो गई है, केंद्र सरकार जो है पैसा दे नहीं रही है पूरा, और यहाँ पे कहते हैं कि 2022 तक किसान की इनकम जो है हम डबल करेंगे। किस तरह से आप डबल करेंगे मैं जानना चाहती हूँ, कि ये बार बार ये कैसे कहा जाता है, ये जो है C2 फॉर्मूला जो है वो नॉन एग्जिस्टेंट है, उसके बारे में कोई बात ही नहीं होती, चर्चा नहीं होती। जो कहा गया था कि एमएसपी पे 23 जो फसलें खरीदी जाएंगी उनको खरीदा नहीं गया है। तो अध्यक्ष जी, ये सारी की सारी बातें जब नजर में आती हैं, और खास तौर से एक बात मैं कहना चाहूंगी, मैं माननीय मंत्री जी का भाषण सुन रही थी ऑर्गेनिक फार्मिंग पर, कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग इसलिए करी जा रही है कि हम जो है पुरानी फार्मिंग से दूर लेके जा रहे हैं। अब ये ऑर्गेनिक फार्मिंग जो आप दे रहे हो, इसका हैंड होल्डिंग के लिए किसान को क्या फायदा होएगा, कितने दिन में वो क्या कहते हैं उसको वो फायदा मिलेगा, किस तरह से मिलेगा, उसका कोई रूपरेखा नहीं बता रखी, बस खाली ऑर्गेनिक फार्मिंग। भवंतर योजना जो है 600 रुपए आपने दे दिए, लेकिन उसका जितना किसान को नुकसान हुआ वो हम सब जानते हैं। मेरे अपने इलाके के अंदर जो है इतने सारे लोग हैं जिनका अभी तक मुआवजा राशि नहीं मिली है,
ये जो कंपनियां हैं ये कहते हैं अध्यक्ष जी, नहीं मैं मेरा नाम ले के विषय उठा है अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि हमने आप बीच में नहीं बोल मेरा नाम लिया है ये बीच में कैसे बोल रहे नाम लिया मैं ये कहना चाहती हूँ दक्षिण हरियाणा का किसान भावांतर भरपाई से बिल्कुल खुश है। काला बाजारी वाले परेशान हैं। 600 रुपए बाजरे के बिना है आज 2000 रुपए बाजरे का भाव उसको 600 रुपए का रेट चल रहा है। अरे किसान खुश है और प्राकृतिक कृषि की तरफ हमारा ध्यान है और इससे किसान को फायदा होगा। इन्होंने ये कहा है अध्यक्ष जी कि हमारी जो ये इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो कोई मुनाफा नहीं कमा। ठीक है जी, धन्यवाद। ये मंत्री जी कहते हैं कि इंश्योरेंस कंपनियां जो हैं जो प्रीमियम ले रही हैं और किसान को जो है पूरा प्रीमियम दे रहे हैं वो कोई मुनाफा नहीं कमा रही है। इनकी बात है, ये इनके बोल है। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा के अंदर सबसे फसल बीमा योजना आई है, इतना प्रीमियम कंपनीज को दिया है उससे ज्यादा किसान को बांटा गया है। हरियाणा के किसान को फायदा बहुत ज्यादा हुआ है। इस बार 1000 करोड़ रुपया किसान को मिला है। 561 करोड़ रुपए खाते का दिया सरकार का। हरियाणा का आप मेरा नाम लेके बात कर रहे हैं, हरियाणा को इंश्योरेंस से। तो बजट अभिभाषण पर हरियाणा विधानसभा में चर्चा हो रही है और किरण चौधरी के सवालों पर कृषि मंत्री जेपी दलाल की ओर से भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। रुकेंगे आप।